हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सौभाग्य गंधर और आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है स्टीरियो साउंड। अब आप सोच रहे होंगे स्टीरियो तो ज़्यादातर साउंड होती है कि इसमें क्या नई बात है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टीरियो साउंड पर भी क्या नई बात है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखते हैं कि हमने जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड किया मोनो पे, उसका साउंड पड़ा, हम समझते हैं ये सिंगल ट्रैक दिख रहा है, एक ही लेयर है तो वो दिखता है कि हाँ ये मोनो है, डबल दिख गई आउटपुट, डबल लेफ्ट राइट चली गई तो ये उसको जो आउटपुट तो स्टीरियो में जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टीरियो को बनाने के भी कुछ अलग तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आपका एक मोनो चैनल आया उसको आपने लेफ्ट राइट स्टीरियो कर दिया तो वो चला गया, वो आपको सेंटर में सुनाई देगा अगर आप हेडफोन सुनेंगे। और अगर मैं जिस स्टीरियो के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि दोनों चैनल पे अलग अलग आपको अलग अलग फील होगा, आपके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, उस साउंड के बारे में हम उसको कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से हमारा वोकल इस वजह से एनहांस हो जाता है, वोकल की क्वालिटी ब्राइटनेस बढ़ती है, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो देखते हैं हम कैसे कैसे, मैं आपको उसकी टेक्निक्स बताऊंगा आज हम उसको कैसे रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक मोनो ट्रैक है और जिसकी स्टीरियो आउटपुट है, अब आपने इसमें देखा। अब हम क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट ट्रैक बना के इसकी साउंड सुनते हैं। देखिए कुछ नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है सिर्फ, है ना। अब इसको लेफ्ट राइट करके देखते हैं दोनों को, तो भी कुछ फर्क नहीं है, सिंपली वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है क्योंकि डेटा दोनों जगह सेम है। अब हम इसको स्टीरियो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको जूम इन करेंगे और एक ट्रैक को हल्का सा आगे करेंगे जिससे कि ऊपर नीचे का डेटा अलग अलग हो जाए दोनों जगह पे। अब हम सुनते हैं, अब ये देखिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लेफ्ट साइड ज़्यादा चला गया, हल्का सा और के, अब देखिए दोनों साइड सुनाई दे रहा है अलग अलग, ये हल्का हल्का सा हमारे को स्टीरियो का इफेक्ट सुनाई देने लगा है, ये देखिए। अब हम इसमें एक चेंज और करेंगे, इस डेटा को और चेंज करने के लिए और अच्छे तरीके से जो इसमें हमारे को डिफरेंस मालूम हो। अब ये देखिए हम ट्रांसपोज से यहाँ से स्वरों को कई बार शिफ्ट करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं इसको अब अलग तरीके से करूँगा, यहाँ पे पिच शिफ्ट के ऑप्शन पे जा करके पिच शिफ्ट हमने किया है, तो इस पे देखिए ये सेमी टोन लिखा है, दो सेमी टोन मिला करके अगले स्वर पे जाते हैं और हाफ नोट जो आपका जाएगा वो एक सेमी टोन पे, और एक सेमी टोन के अंदर आपके 100 सेंट्स होते हैं, तो हम सेमी टोन का चेंज नहीं करेंगे, हम सेंट्स का चेंज करेंगे। हमने थोड़ा सा सेंट्स का चेंज किया तो स्वर में बहुत हल्का सा फ़र्क भी हो जाएगा और वो सुनाई भी नहीं देगा, फ़र्क पता नहीं लगेगा, सॉरी, आपको इसका हल्का सा फ़र्क करने के बावजूद इसमें फ़र्क पता नहीं लगेगा और आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। अब सुनिए इसको आप, अब देखिए अब पूरा का पूरा स्टीरियो साउंड कर रहा है, इसे हम सूडो स्टीरियो बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास एक मोनो ट्रैक ही था उसको हमने स्टीरियो में कन्वर्ट किया है, है ना। तो इस तरीके से स्टूडियो स्टीरियो बनता है, हम इसको अपना अंडू कर रहे हैं सारा, अब आप देख सकते हैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट ट्रैक हमने लगाया, ये ऐसे सुनाई दे रहा था पहले, है ना। ये देखिए अब हम इसको सेंटर में करते हैं, अब ये सेंटर में सुनाई दे रहा है हमारे बीच में। अब हमने जो इसमें शिफ्ट किया था आगे से हल्का सा सरकाया था उसको, तो उसमें बेसिकली हमारा डेटा चेंज कैसे होता है कि आप इसमें देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए दोनों प्लस साइड सेम है, माइनस साइड सेम है, ठीक है, फेज़ इसके बिल्कुल सेम है।
तो अगर हम इसको जब आगे पीछे सरकाते हैं तो उसके फेज़ चेंज होते हैं, लेकिन हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि फेज़ रिवर्स बिल्कुल ना हो जाए, क्योंकि अगर फेज़ रिवर्स हो गया, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया, तो जब हम इसको सेंटर में सुनेंगे, सेंटर ऑडियो वाले डिवाइस पे, तो उसमें वो ज़ीरो वॉल्यूम सुनाई देगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, लेफ्ट राइट करेंगे तब तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन सेंटर में करने के बाद हमारे को साउंड नहीं सुनाई देगा। तो इस तरीके को भी हमने ध्यान रखना है कि ये भी ना हो जाए कि पूरा ही फेज़ हमने चेंज कर दिया और वो गलत हो जाए। सबसे अच्छा तरीका तो वैसे दोस्तों ये है साउंड को अगर स्टीरियो बनाना, कि हम सिंगर से या म्यूजिशियन से ट्रैक को दो बार बजवा दें या ट्रैक को दो बार गवा दें, तो उससे क्या होगा, दोनों ही जो साउंड होंगे, दोनों ही ट्रैक होंगे, उनका डेटा बिल्कुल ही अलग होगा। तो उनको जब हम लेफ़्ट राइट करके सुनेंगे तो वो बिल्कुल ओरिजिनल स्टीरियो साउंड आपको सुनाई देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।